इस बात को ख्याल रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को ख्याल रखना कि वो अकेला ना जाए। इस बात को ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं इस बात को ख्याल रखना कि। सो चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इस बात को ख्याल रखना कि, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कीप दिस थिंग इन माइंड। कीप दिस थिंग इन माइंड। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आप यूज़ करो कि कीप दिस थिंग इन माइंड, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को ख्याल रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। इस बात को ख्याल रखना कि तुम पार्टी खराब नहीं करोगे। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट स्पॉइल द पार्टी। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट स्पॉइल द पार्टी। इस बात को ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट से एनीथिंग टू हिम। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू विल नॉट से एनीथिंग टू हिम। इस बात को ख्याल रखना कि तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। इस बात को ख्याल रखना कि वो अकेला ना जाए। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ही शुड नॉट गो अलोन। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट ही शुड नॉट गो अलोन।